तो यार हम अपने आसपास की चीजों को देख के रिएक्ट और रिस्पॉन्स करते हैं। लाइक मुझे देख लो, अपनी यूनिवर्सिटी में सबको ये दिखाता हूँ कि तेरा भाई देख कितना कूल है, बट उसके सामने मैं ना हगलाने लगता हूँ, दिमाग काम नहीं कर रहा होता है, हार्ट बीट इंक्रीज हो जाता है, समझ रहे हो ना भाई, पट जाता है तुम्हारे भाई का। अब सवाल उठता है ऐसा होता क्यों है। देखो हमारे आसपास जब चीजें बदलता है हम रेस्पॉन्स एंड रिएक्ट तो करते हैं, ये तो एक कोट एंड कोट वाला चीज है। अब जिस चीज को देख के हम रेस्पॉन्स और रिएक्ट करते हैं ना उसे कहते हैं स्टिमुलस। अब मेरे लिए स्टिमुलस वो बंदी है, समझ रहे हो, उसको देख के मैं अजीब सा बिहेव करता हूँ। अब तुम्हें मेरा एग्जांपल समझ में नहीं आया होगा, नॉर्मल एग्जांपल लेके चलता हूँ। रूम के अंदर बहुत गर्मी है, तुम रिएक्ट करोगे, रेस्पॉन्स करोगे, हाँ भाई गर्मी में कौन रह सकता है। अगेन मान लो रूम के अंदर में बहुत ठंडी है, विंटर का मौसम है वैसे भी, तुम क्या करोगे, रिएक्ट करोगे एंड रेस्पॉन्स करोगे। समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, स्टिमुलस को देख के हम रिएक्ट एंड रेस्पॉन्स करते हैं। अब एनिमल्स एंड प्लांट्स दोनों ही स्टिमुलस को देख के रिएक्ट एंड रेस्पॉन्स तो करते हैं बट अलग अलग तरीके से करते हैं, और ये जो रिएक्ट एंड रेस्पॉन्स करते हैं ना हम, इसी को कहते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब देखो एनिमल्स के अंदर और प्लांट्स के अंदर में ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कह लो या रिएक्ट एंड रेस्पॉन्स कह लो, अलग अलग तरीके से होता है। हम पहले देखते हैं एनिमल्स के अंदर में। अब जब मैं एनिमल्स कह रहा हूँ समझ लेना यार, हम भी जानवर है। जानवर की औलाद, सुबह के 10 बज रहा है, बोर्ड एग्जाम को 10 दिन बाकी नहीं है, और यहाँ हमारी महारानी को सोने से फुर्सत नहीं मिल रही। अब देखो हम रेस्पॉन्स एंड रिएक्ट करते हैं या फिर तुम कह लो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करते हैं अपने बॉडी का, ये होता है दो सिस्टम से, पहला है नर्वस सिस्टम और दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम। डिफरेंस इसका बात करते हैं दोनों का। ये जो नर्वस सिस्टम है ये बना हुआ है न्यूरॉन्स से या फिर तुम कह लो नर्व सेल से, आगे क्या होता है डिटेल में देखेंगे, अभी डिफरेंस देख लो बस। जबकि ये एंडोक्राइन सिस्टम एक हार्मोनल सिस्टम है। लाइक तुमने कभी वो वाला वीडियोस देखा इंटरनेट पे, हाँ वही वाला। अब जब वो वीडियो देखते हैं हम तो क्या होता है, दिमाग के अंदर में डोपामिन रिलीज होता है, हमें मजा आता है। अब ये क्या है, केमिकल रिलीज हुआ दिमाग के अंदर में, राइट। अब इसी तरीके से एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर में कुछ हार्मोन्स केमिकल रिलीज होता है। अब वो क्या क्या है हम आगे देखेंगे, अभी के लिए जो डिफरेंसेस देख रहे हैं वो देख लेते हैं। नर्वस सिस्टम सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स के अंदर होता है जबकि ये एंडोक्राइन सिस्टम एनिमल्स एंड प्लांट्स दोनों पे पाया जाता है। और आखिरी चीज देखो, जब हमने कुछ चीज को देखा उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग तक पहुंचता है और उसके बाद हम रिएक्ट करते हैं। अब ये जो इन्फॉर्मेशन पहुंचने का तरीका होता है ना, ये नर्वस सिस्टम के अंदर में होता है एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स से, तो हम समझ लो एक बिजली का झटका ऐसा टाइप का कुछ। जबकि इस एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर में ये जो इन्फॉर्मेशन है वो एक केमिकल हार्मोन के तौर पर पहुंचता है दिमाग या फिर तुम बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स पे। अभी हम क्या करते हैं, ये जो नर्वस सिस्टम है ना इसके अंदर में जो भी इन्फॉर्मेशन है एक डुबकी मार के सब इन्फॉर्मेशन निचोड़ लेते हैं, फिर हम देखेंगे ये एंडोक्राइन या हार्मोनल सिस्टम जो भी है उसे। तो हमारा ये नर्वस सिस्टम भी बटा हुआ है दो हिस्सों में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। देखो इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर में दो चीजें, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और तुम जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करते हो ना ये सारी चीज़ें होता है ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से ही, इसके बिना तो चीज़ें पॉसिबल है ही नहीं। बट देखो ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें ही सिर्फ काफ़ी है, माना कि ये कंट्रोल करता है बट इन्फॉर्मेशन को दिमाग तक पहुंचाने का काम, फिर जो दिमाग ऑर्डर देता है उसे फॉलो करने का काम करता है ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। एक तरीके से तुम कह सकते हो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन है इसको बॉडी के साथ जोड़ता है, कनेक्ट करता है। देखो तुम देख रहे हो यहाँ पे क्या है, ऊपर ब्रेन है, नीचे स्पाइनल कॉर्ड है और चारों तरफ तारों की तरह कुछ कुछ बिखरा हुआ है, ये कुछ और नहीं है, ये है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब देखो ये भी फिर दो है, दिमाग से निकले हुए जो भी तार मार निकल के बैठा हुआ है ना आगे पीछे, ये है क्रेनियल नर्व्स, और उसके नीचे में जो भी स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा हुआ जितने भी नर्व्स बाहर निकला हुआ है बॉडी के अलग अलग हिस्सों पे जा रहा है वो है स्पाइनल नर्व्स। सिंपल सा है, ठीक है, नर्व्स जो होता है ना जो ब्रेन के साथ कनेक्टेड है और वहीं से जुड़ के अलग अलग हिस्सों पे जा रहा है उससे कहते हैं क्रेनियल नर्व्स, और जो स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा हुआ नर्व्स है उसे कहते हैं स्पाइनल नर्व्स। बाकी देखो इतना कहना चाहता हूँ मैं, तुमने कभी बिना आलू के समोसा खाया है, नहीं खाया होगा, बट मैंने लॉकडाउन पे खाया था, घर पे कुछ था नहीं वैसे भी, और मम्मी लोग होते जुगारू, जितने सब्जी था उससे मिला के समोसा बना दिया था, बाय गॉड इतना भद्दा था ना, बट कुछ क्या भी नहीं पाया, बट जो भी उस दिन समझ में आया कि बिना आलू के समोसा बन ही नहीं सकता भाई। इसी तरीके से हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर में ना जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का जरूरत है, बिना पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के सेंट्रल नर्वस सिस्टम कुछ काम का नहीं है। अभी यार मैंने तुम्हें बताया कि ये नर्वस सिस्टम क्या होता है नहीं होता है तुम समझ गए यार, बट अब सवाल ये उठता है कि ये नर्वस सिस्टम बना क्या चीज से हुआ है, एग्जैक्टली है क्या ये, अब बताओ ये क्या चीज है, नर्व सेल्स, राइट, जिसे न्यूरॉन कहते हो तुम। अब ऐसे हजारों लाखों मिलियन नर्व सेल्स या फिर न्यूरॉन से बनते हैं नर्वस सिस्टम। हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है ना इधर ही 86 बिलियन न्यूरॉन्स है, सोच लो पूरा बॉडी के अंदर में जो नर्वस सिस्टम है इधर कितने न्यूरॉन्स होते होंगे, ये सोच के बाहर है भाई, सोचना भी मत, रहने दो। अब मैं चाहता ना यहाँ पे तो तुम्हें ये डायग्राम एक्सप्लेन करता बट अभी नहीं यार,
अभी ये डायग्राम से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि न्यूरॉन एग्जैक्टली है क्या, इसका काम क्या है, वो जानो। तुम्हारे बाप ने कभी तुम्हें बेल्ट से सूता है? शायद नहीं, बट मुझे सूता है। हमेशा मैं और मेरा दोस्त सुट्टे फूकने के बाद च्युइंगम चबाते हैं और एक दूसरे के मुंह को फूक के देखते हैं कि गन तो नहीं मार रहा। हमें नहीं मार रहा होता है, बट जब हम घर जाते हैं ना तो बाप को पता चल जाता है, और उसके बाद जब बेल्ट से सुताई होता है ना हमारा भाई। खैर, मैंने तुम्हें ये इसलिए बताया क्योंकि देखो, न्यूरॉन्स जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, बाहर में तुम्हारे साथ कुछ भी होता है ना, उस इन्फॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचाते हैं, और इस चीज़ को पहुंचाने में मदद करता है रिसेप्टर्स। ये रिसेप्टर्स पाया जाता है हमारे सेंस ऑर्गन पे। अब मत पूछना कि ये सेंस ऑर्गन क्या होता है, बाबू भैया के बच्चे को भी पता है 2 साल वाला क्या होता है। ईयर, आइस, नोज, टंग एंड स्किन, ये 5 होते हैं सेंस ऑर्गन, राइट। अब देखो, माना मैंने कि बाबू भैया के बच्चे को ये पता है कि सेंस ऑर्गन क्या होता है और सेंस ऑर्गन कितने होते हैं, बट उसके बच्चे को ये नहीं पता कि सेंस ऑर्गन में रिसेप्टर्स जो होता है ना, उसका नाम क्या क्या होता है। बट अब तुम्हें पता चल जाएगा, देखो बहुत आसान है। अब तुम कान में फ़ोन लगा के बात करते हो ना, तो कान में जो रिसेप्टर्स होता है उसे कहता है फोनो रिसेप्टर्स। आँखों में जो रिसेप्टर्स पाया जाता है उसे कहता है फोटो रिसेप्टर्स। जो रिसेप्टर्स स्किन के अंदर में होता है हमारे, उसे कहते हैं थर्मो रिसेप्टर्स। जो रिसेप्टर्स हमारे नोज पे होता है उसे कहते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। और जो हमारे टंग पे होता है यानी कि जीभ पे होता है उसे कहते हैं गैस्ट्रिक रिसेप्टर्स। अभी तुम मुझे बताओ, जब मेरे बाप ने मुझे कूटा था और चमड़ी निकाल दिया था लगभग, तो कौन सा रिसेप्टर पे वो इन्फॉर्मेशन पहुंचा था और फिर कैसे न्यूरॉन से वो दिमाग तक पहुंचा? वेरी इजी, राइट, स्किन यानी कि थर्मो रिसेप्टर्स। अब मैं चाहता हूँ कि तुम भी कुछ ऐसे क्रिएटिव कमेंट्स नीचे में करो और अपना अपना रिसेप्टर्स बताओ यार, कि कब किसको कहाँ पर आया। हम बढ़ते आगे टाइप ऑफ न्यूरॉन्स को जानने। देखो, हमने अभी तक रिसेप्टर्स पढ़ा, न्यूरॉन क्या करता है नहीं करता वो जाना। अब न्यूरॉन कितने तरीके का होता है? 3 तरीके का न्यूरॉन्स होता है हमारे बॉडी पे। सबसे पहला है सेंसरी न्यूरॉन। अभी देखो, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था सेंस ऑर्गन के बारे में, जहाँ में क्या होता है, रिसेप्टर्स होते हैं अलग अलग सेंस ऑर्गन पे। अब इन रिसेप्टर्स के साथ में जो न्यूरॉन्स लगा हुआ होता है ना, उसे कहते हैं हम सेंसरी न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन का सिंपल सा काम ये कि रिसेप्टर्स से इन्फॉर्मेशन को लेना है और आगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ओर भेजना है। अब यही पे दूसरा आता है इंटर न्यूरॉन्स। देखो, रिसेप्टर्स से सेंसरी न्यूरॉन्स ने इन्फॉर्मेशन को लिया, लेने के बाद इंटर न्यूरॉन्स को भेजा कि जाओ तुम जाके इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचा के आओ। और यही पे आता है अब तीसरा न्यूरॉन, जो कि है मोटर न्यूरॉन। ब्रेन में वो इन्फॉर्मेशन पहुंचने के बाद अब ब्रेन कमांड देगा कि भाई भाग जाओ वहाँ से। अब जैसे मेरा एग्जांपल ले लो, पता चलेगा मुझे जब बाप मुझे कूट रहा है बेल्ट से, तो मैं क्या करूँगा, भाग जाऊँगा वहाँ से ना। मुझे ये इंडिकेशन देगा कौन? मोटर न्यूरॉन। जैसे ही मेरा इंटर न्यूरॉन ये इन्फॉर्मेशन दिमाग पे पहुँचाएगा कि बाप आ रहा है बेल्ट लेके कूटने के लिए, अब यहाँ से भाग जाओ नहीं तो कुत्ते की तरह पीटोगे, अब यहाँ पे मोटर न्यूरॉन एक्टिव हो जाएगा और मैं घर से भाग जाऊँगा यार, और फिर मार नहीं खाऊँगा। यही तो है सिंपल सा ट्रिक। हमने देखा अभी तक न्यूरॉन क्या होता है, न्यूरॉन कितने तरीके के होते हैं और न्यूरॉन कैसे काम करता है नहीं करता है। अब हमें जानना है कि ये पिक्चर जो है शुरुआत से तंग कर रहा था हमें इसके बारे में। देखो, ये तुम्हारे बॉडी में जो हजारों न्यूरॉन्स है उनमें से एक का पिक्चर है। अब यहाँ में देखो 4 चीज़ों के ऊपर ध्यान देना। अब तुम्हें ये तो पता ही है कि रिसेप्टर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है न्यूरॉन्स को। अब न्यूरॉन का जो ये हिस्सा है, देख रहे हो, इसे कहते हैं डेंड्राइट। यहाँ पे सबसे पहले इन्फॉर्मेशन पहुँचता है। अब पहुँचने के बाद ये इन्फॉर्मेशन सेल बॉडी पे आता है, जो कि न्यूरॉन का ये पार्ट है। इसके अंदर में न्यूक्लियस भी है, और फिर ये सीधा जाता है इस एक्सॉन से ट्रैवल करके और पहुँचता है नर्व्स एंड पे। तो कुछ इस तरीके से न्यूरॉन्स के अंदर में इन्फॉर्मेशन ट्रैवल करता है। बहुत सिंपल है, एक चार्ट के साथ तुम बना के देख सकते हो इसे। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन डेंड्राइट पे आएगा, फिर वो सेल बॉडी पे पहुंचेगा, सेल बॉडी से वो जाएगा एक्सॉन पे, और एक्सॉन से वो ट्रैवल करेगा फिर नर्व्स एंडिंग पे। अभी कहानी खत्म नहीं हुआ है, देखो 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 देखो, अब याद करो, मैंने तुम्हें बताया कि हमारे पास 1-2 न्यूरॉन्स नहीं है, ठीक है, हमारे बॉडी में लाखों लाखों न्यूरॉन्स है। अब ये न्यूरॉन्स आपस में कनेक्टेड कैसे रहते हैं? तो यहाँ पे एक चीज़ तुम्हें समझना है कि ये साइनैप्स क्या होता है। 2 न्यूरॉन के बीच में जो गैप होता है उसे कहते हैं साइनैप्स। देखो, 2 न्यूरॉन्स के बीच जो जोड़ने वाला काम होता है ना, वो होता है साइनैप्स का। एग्जैक्टली क्या होता है, देखो तुम्हें ये चीज़ पता है कि न्यूरॉन्स के अंदर में इन्फॉर्मेशन जो होता है वो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस के फॉर्म पे ट्रैवल करता है, बट इस नर्व्स एंडिंग में आके ना एक लिक्विड रिलीज करता है, और वो लिक्विड जाके पहुँचता है साइनैप्स पे, और फिर यहाँ पे रिएक्शन होता है, और रिएक्शन के बाद दोबारा बनता है एक इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस, और ये इम्पल्सेस फिर दूसरे न्यूरॉन्स के अंदर में ट्रैवल करता है, और ऐसे करते करते इन्फॉर्मेशन जो होता है न्यूरॉन्स के अंदर में ट्रैवल करता है। देखो, मैंने जो तुम्हें अभी इतना लंबा कहानी बताया ना, ये क्या है, ये न्यूरॉन्स का फंक्शन है। कैसे न्यूरॉन्स एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस को न्यूरॉन्स के अंदर में ट्रैवल करवाते हैं, फिर ब्रेन तक पहुँचाते हैं।
इस टॉपिक से डायग्राम को अच्छी तरीके से देख लेना और डायग्राम के अंदर में जो चीज़ें हैं उन्हें देख लेना और ये फंक्शन हो सके तो याद कर लेना। अब बहुत है यार, और कुछ नहीं आने वाला यहाँ से। अब बचा ही क्या इस टॉपिक में, बाकी सब तो निपटा ही दिया मैंने। फिर भी कह रहा हूँ कि और कुछ मतलब देखिए यार, आगे बढ़ते याद करो नर्वस सिस्टम के अंदर में दो चीज़ें होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, राइट। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर में दो चीज़ें होता है, ये भी याद होगा तुम्हें, ब्रेन और क्या बताओ बताओ बताओ, स्पाइनल कॉर्ड। हाँ हाँ वही। अब देखो इंसान या जानवर दोनों दो तरीके का एक्शन करते हैं, वॉलेंट्री एक्शन एंड इनवॉलेंट्री एक्शन, और दोनों दिमाग से कंट्रोल किया जाता है। देखो 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 कॉम्प्लिकेट नहीं करता हूँ। वॉलेंट्री एक्शन मतलब जो चीज़ें तुम अपने दिमाग से कंट्रोल करते हुए करते हो, लाइक मैं तुमसे अभी बातें कर रहा हूँ अपने दिमाग से सोचते हुए, थिंकिंग करते हुए कि मुझे क्या बोलना है नहीं बोलना है, सामने स्क्रिप्ट है, आगे माइक है, और क्या है, और कुछ नहीं है भाई, जो भी हो मैं जो भी कह रहा हूँ अभी तुम्हारे सामने। दिस इज बिकॉज ऑफ आई यूज माई ब्रेन एंड दिस इज टोटली पार्ट ऑफ द वॉलेंट्री एक्शन। अब तुम सोच रहे हो कि इनवॉलेंट्री एक्शन क्या है फिर? देखो तुम्हारा दिल धड़कता है, ओहो धड़कता है यार, सबका धड़कता है राइट। अब क्यों धड़कता है वो, क्या तुम उसे कंट्रोल करते हो? शायद नहीं। ऐसे ही बॉडी में बहुत ज़्यादा चीज़ ऐसा होता है जिसे हम कंट्रोल नहीं करते बट वो हो रहा है, और उन सारे एक्शंस को कहते हैं इनवॉलेंट्री एक्शंस। अब देखो इसके अलावा एक तीसरा होता है, मैंने बताया स्पाइनल कॉर्ड के अंदर में जो एक्शन होता है ना वो अलग तरीके का होता है, ना वो वॉलेंट्री होता है ना वो इनवॉलेंट्री होता है, वो होता है रिफ्लेक्स एक्शन। अब ये क्या है नहीं है देखते हैं। तुमने अपने लाइफ में जो भी चीज़ें किया होगा आज तक दिमाग से सोच के किया होगा, हाँ मतलब कभी तुमने दिल का इस्तेमाल किया होगा और उसका नतीजा तो हमेशा एक ही होता है, टूट जाता है दिल यार, वो तो बेकार चीज़ है, पता नहीं क्यों है हमारे पास वो, नहीं होता फिर भी चल जाता। खैर जो मैक्सिमम चीज़ें हम करते हैं वो सोच के करते हैं दिमाग से, ठीक है। बट देखो जब तुम्हारे सामने कुछ ऐसा सिचुएशन आता है लाइक बहुत गर्म चीज़ है, अचानक से हाथ डालते हो हाथ अचानक से वापस आ जाता है, और इसी को कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, जहाँ तुम्हारे दिमाग का इस्तेमाल नहीं होता। दिमाग के अलावा हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे दूसरा एक चीज़ है जिसे कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। तो सिंपल सा बात है, जो ऑल ऑफ द सडन एक्शन हम करते हैं वो दिमाग का इस्तेमाल करके नहीं करते, वो करते हम स्पाइनल कॉर्ड का इस्तेमाल करके, और इसी को कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। अब ये तो मैंने बता दिया तुम्हें क्या होता है रिफ्लेक्स एक्शन, थ्योरेटिकली पॉइंट वाइज देखते हैं, ठीक है। देखो बहुत सिंपल सा बात है, तुम दिमाग का इस्तेमाल नहीं करके जो भी चीज़ें कर रहे हो, जो बहुत ही सडनली हो रहा है, बहुत ही स्पीडली हो रहा है, क्विकली हो रहा है, उस एक्शंस को कहोगे तुम रिफ्लेक्स एक्शन। एग्जाम्पल के लिए कोई गर्म चीज़ है तुम्हारे सामने, तुमने सोचा नहीं समझा नहीं, बस हाथ हटा दिया वहाँ से, हल्का सा बस महसूस हुआ तुम्हें कि ये गर्म है और ऑटोमेटिकली हाथ वापस आ गया, ये होता है रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से। बट देखो देखो अभी कहानी खत्म नहीं हुआ है, मैंने तुम्हें बता दिया कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, बट एग्जैक्टली ये काम कैसे करता है यार। देखो इसे समझने के लिए तुम्हें जानना पड़ेगा कि रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। देखो कैसे हमारा हाथ सडनली रिएक्ट करता है और अपने आप को बचाने का कोशिश करता है, वो जो पूरा प्रोसेस है ना जहाँ दिमाग का इन्वॉल्वमेंट होता ही नहीं है, टोटली स्पाइनल कॉर्ड से ही हम वो एक्शन को करते हैं, वो जो पूरा प्रोसेस है ना, पाथवे कह लो या डायरेक्शन कह लो कुछ भी कह सकते हो, उसे कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। देखो कैसे होता है, अब मान लो तुम्हारे सामने ये एक बर्तन है जहाँ में बहुत गर्म पानी रखा हुआ है, इतना गर्म तुम हाथ लगाओगे तुम्हारा हाथ जल जाएगा। अब ये जो बर्तन में गर्म पानी रखा हुआ है ये एक तरीके से स्टिमुलस की तरह काम करता है, मैंने बताया था तुम्हें स्टिमुलस क्या होता है, वो चीज़ें जिसको देख के हम रिएक्ट एंड रिस्पॉन्स करते हैं, राइट। अब देखो तुम जब हाथ डालने वाले होगे तो तुम्हारे स्किन के अंदर में जो रिसेप्टर्स है उसे ये चीज़ पता चल जाएगी कि ये बहुत ही गर्म है, जैसे ही तुम अपना हाथ उसके पास बढ़ाओगे उस गर्म चीज़ के। अब ये रिसेप्टर्स सेंसरी न्यूरॉन्स को खबर देगा, भाई सुन हमारा भाई ऐसा चीज़ करने जा रहा है जिसके बाद उसका हाथ जल जाएगा, तो जाके तू खबर पहुँचा ऊपर पे। अब सेंसरी न्यूरॉन को जैसे ही पता चलेगा ये चीज़ की भाई हमारा प्रॉब्लम है, तो ये खबर जाके देगा वो सीधा सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। अब देखो वो दिमाग पे नहीं जाएगा, ब्रेन पे नहीं जाएगा, क्योंकि ब्रेन पे जाएगा तो वो थिंकिंग करेगा, तब तक हाथ जल के राख हो जाएगा, वो सीधा जाएगा स्पाइनल कॉर्ड के पास कि भाई 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 बचा ले अपने भाई को वरना हाथ तो जल जाएगा इसका। अब स्पाइनल कॉर्ड वहाँ से क्या करेगा, मोटर न्यूरॉन्स को एक्टिव करेगा, तो मोटर न्यूरॉन्स दौड़ दौड़ के ये खबर पहुँचाएगा हाथ में लगा हुआ जो मसल्स है उसको कि भाई हाथ को हटा ले वरना हाथ जल जाएगा। यानी कि मोटर न्यूरॉन्स आके हाथ के पास में जो इफेक्टर्स होता है उससे एक्टिव कर देगा। ये इफेक्टर्स कुछ नहीं है यार, हाथ में जो मसल्स होता है उसे कहते हैं, उसे ये खबर पहुंचा देगा कि इधर अगर हाथ डालोगे ना तो जल जाएगा, तो हाथ हटा लो। अब होगा क्या, ऑल ऑफ द सडन हम अपने हाथ को हटा लेंगे और इस तरीके से ये रिफ्लेक्स आर्क काम करता है, देखा तुमने। अब ये जो चीज़ है ना
तुम डायग्रामेटिकली भी दिखा सकते हो अगर तुम्हारा ड्राइंग बहुत अच्छा है तो। और जहाँ तक मुझे लगता है कि एग्ज़ाम में ना ही इतना समय होता है और ना ही इतना हैंडराइटिंग अच्छा होगा तुम लोगों का कि ऐसा ड्राइंग तुम बना लोगे, तो उससे अच्छा है तुम इस फ्लो चार्ट को बना के दिखा देना, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। बहुत सिंपल है, एक स्टिमुलस होगा जो कि गर्म चीज़ होगा। अब हाथ के अंदर रिसेप्टर्स को पता चलेगा कि गर्म चीज़ है, वो सेंसरी न्यूरॉन को बताएगा। अब सेंसरी न्यूरॉन जाके बताएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे स्पाइनल कॉर्ड को, और स्पाइनल कॉर्ड मोटर न्यूरॉन्स को एक्टिव करेगा, और मोटर न्यूरॉन्स इफेक्टर्स को बताएगा, और इफेक्टर्स जाके मसल्स को यानी कि हाथ को हटा देगा वहाँ से। और इस तरीके से रिफ्लेक्स एक्शन काम करता है या फिर रिफ्लेक्स आर्क काम करता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक सवाल उठता है कि ये रिफ्लेक्स एक्शन का जरूरत क्यों है हमें? बहुत ही सिंपल सा जवाब है। देखो कुछ कंडीशन ऐसा होता है हमारे सामने, लाइक हमने थोड़ी देर पहले देखा था, जहाँ कोई चीज़ गर्म है या फिर कोई चीज़ बहुत ठंडा है, ठीक है। ऐसे कंडीशन में ना हमें जो है हमारा एक्शन जो है बहुत क्विकली चाहिए होता है। लाइक अगर वहाँ में हम सोचने बैठ गए, समझने बैठ गए, तो भाई साहब कांड हो जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसे कंडीशंस के लिए ना भाई साहब क्विक एक्शन चाहिए, और वो क्विक एक्शन कौन देता है? स्पाइनल कॉर्ड। तो इस तरह का जो स्पेशल सिचुएशन होता है जहाँ क्विक रिएक्शन का ज़रूरत होता है, वहाँ में ये जो रिफ्लेक्स एक्शन का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर अपना जान बचाना है, अपने आप को हर्ट होने से बचाना है, तो जल्दी रिएक्ट करना ज़रूरी है। और जल्दी रिएक्ट बिना सोचे बिना थिंकिंग के कोई एक ही पार्ट कर सकता है हमारा बॉडी का, वो है स्पाइनल कॉर्ड। खैर यार, स्पाइनल कॉर्ड का कब से बात कर रहे हैं, जबकि हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो ह्यूमन ब्रेन है ना भाई। तो ब्रेन का बात करते हैं। देखो हमारा ह्यूमन ब्रेन सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट है, बट जो भी कोऑर्डिनेशन होता है ना बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं उसके साथ, ज़्यादातर मैक्सिमम यार ब्रेन से ही तो होता है। सो ये जो ब्रेन है ना, ये तीन हिस्सों में डिवाइडेड है। देखो वैसे तो बहुत ज़्यादा हिस्से हैं, जो तुम हायर क्लासेस पे पढ़ोगे तब तुम देख पाओगे, बट एज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 हमें बस उतना ही जानना है जितना ये हमें जानने देना चाहते हैं ये इन द सेंस CBSE वाले। देखो यार, बेसिकली तीन हिस्सों में बटा हुआ है हमारा ह्यूमन ब्रेन। पहला है फोर ब्रेन, दूसरा है मिड ब्रेन, और आखिरी है हाइंड ब्रेन। देखो डायग्राम देख लोगे ना तो पता हो ही जाएगा तुम्हें, ऊपर वाला हिस्सा जो है वो है फोर ब्रेन, मिडल वाला हिस्सा जो है वो मिड ब्रेन है, और जो लोअर है उसे कहते हैं हाइंड ब्रेन। अब इन तीनों का फंक्शन क्या क्या है देखते हैं। अगर मैं बात करूँ फोर ब्रेन का, तो ये सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट है ह्यूमन ब्रेन का। वैसे तो ये कई हिस्सों में बटा हुआ है, बट हमें इतना नहीं जानना है, बस तुम इतना जान लो फोर ब्रेन के अंदर में एक हिस्सा है जिसे कहते हैं सेरिब्रम, ठीक है। अब देखो जो भी हम सोचते हैं करते हैं वो सारी चीज़ें कहाँ से कंट्रोल किया जाता है, इस फोर ब्रेन से। हमारा जो वॉलेंट्री एक्शन है यानी कि हम हाथ हिला रहे हैं मुंह हिला रहे हैं, जो चीज़ है ये क्या है, वॉलेंट्री एक्शन है, ये भी कहाँ से कंट्रोल किया जाता है, इस फोर ब्रेन से। अभी जो तुम ये लेक्चर को सुन रहे हो वो भी तुम कहाँ मेमोराइज करोगे, फोर ब्रेन के अंदर ही। एक तरीके से स्टोरेज का काम करता है, ठीक है। उसके बाद जो रिसेप्टर से जो इंपल्सेस मिलता है, इंफॉर्मेशन मिलता है, वो आके भी कहाँ आता है, पहले फोर ब्रेन पे आता है सीधा। उसके बाद हमें कोई डिसीजन लेना है नहीं लेना है वो हम डिसाइड करते हैं। और आखिरी फंक्शन, तुम्हें भूख लगता है नहीं लगता है, कब लगना चाहिए कैसे लगना चाहिए, जो भी चीज़ है यार सब फोर ब्रेन से ही होता है। बेसिकली तुम कह सकते हो हमारा ह्यूमन ब्रेन का सबसे इंटेलेक्ट पार्ट, मैक्सिमम जो चीज़ें होता है फोर ब्रेन पे ही होता है। अब बात करते हैं मिड ब्रेन का, कोई खास एक्शन तो होता नहीं इधर, बस देखो इनवॉलेंट्री एक्शन है कुछ कुछ वो होता है, लाइक हमारे आँखों में जो प्यूपल्स है वो साइज बढ़ना और कमना, वो इन्वॉलेंट्री एक्शन है, वो होता है मिड ब्रेन से। उसके अलावा कुछ छोटे मोटे मूवमेंट है लाइक हमारा हेड को हिलाना, नेक को हिलाना, ये सारी चीज़ें जो है मिड ब्रेन का काम होता है। अब आखिरी है हाइंड ब्रेन। देखो ये भी तीन हिस्सों में फिर बटा हुआ है, एक है सेरिबिलम, दूसरा है मेड्यूला, और तीसरा है पॉन्स। अब देखो पहला जो सेरिबिलम है, इसका काम क्या है, हमारा जो बॉडी का पोस्चर है, हम खड़े हैं बैलेंस कर रहे हैं अपने बॉडी को, उसे कंट्रोल करता है ये पार्ट। लाइक तुम्हें समझ लो हमारा जो भी एक्शन है जो हमें एकदम एग्जैक्टली प्रिसाइजली करना है, उन सारे एक्शन में हम इस्तेमाल करते सेरिबिलम का। अब जैसे मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, मुझे पेन को उठाना है। अब अगर मैं नशे पे रहता हूँ तो मुझे दो तीन पेन दिख सकते हैं, बट अगर मैं नशे में नहीं रहता, नॉर्मली रहता हूँ, तो क्या होगा यार, मुझे एक ही पेन दिखेगा ना। अब मेड्यूला एंड पॉन्स दोनों क्या करते हैं, इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करते हैं। लाइक देखो मेड्यूला क्या करता है, हमारे बॉडी के अंदर में ब्लड प्रेशर का लेवल कंट्रोल में रखता है, बाकी जीभ में सलाइवा जनरेट करता है, और पॉन्स का काम है कि जो हमारा सांस लेने वाला सिस्टम होता है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसे मेंटेन रखना, कैसे सांस लेना है नहीं लेना है, ठीक है, ये सब देखता है पॉन्स। तो बस यही था भाई जो था ब्रेन के बारे में, ठीक है। अब एक सवाल उठता है छोटा सा, कि हमारा जो ये स्पाइनल कॉर्ड है और ब्रेन है, इसे प्रोटेक्ट कौन करता है यार? इसके बिना तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा ना, तो इसे प्रोटेक्शन जरूरी है ना, प्रोटेक्शन जरूरी भाई, प्रोटेक्शन हर चीज़ में जरूरी होता है। हाँ,
तो यहाँ भी तो बहुत जरूरी है, यहाँ तो जान का सवाल है भाई। वह तो अलग ही सवाल उठता है, बट यहाँ तो भाई जान का सवाल है, तो ये ज़्यादा जरूरी है। सुनो मेरी बात, हमारा ह्यूमन ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है जो हमारा सर होता है, खोपड़ी होता है, ठीक है, जिसे तुम कहते हो क्रेनियम। ये जो क्रेनियम है ना, जो बेसिकली एक हड्डी का ढांचा ही है, इसके अंदर में एक खास तरह का फ्लूइड लिक्विड पाया जाता है। लाइक इसका काम क्या होता है, देखो तुमने कभी जेली देखा है, कैसा होता है जेली, थोड़ा सा हिलाओ तो हिलने लगता है। अब हमारा ब्रेन भी कुछ इस तरीके से हो सकता था अगर ये फ्लूइड नहीं होता तो, मतलब शॉक देने से, झटका देने से रोकता ही, एक लेवल पे कांस्टेंट रखता है हमारे ब्रेन को। उसके बाद बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड का, तो ये प्रोटेक्टेड रहता है हमारे बैकबोन से, जिसे तुम टेक्निकल टर्म पे कह सकते हो वर्टिबुलर कॉलम। अब हमने पूरा नर्वस सिस्टम खत्म कर दिया है, अब सीधा बढ़ते हैं इंसानों का एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है, यानी कि हार्मोनल सिस्टम। यार माने इंसानों का कौन सा ऑर्गेन से हार्मोन्स निकलता है वो चीज़ देखते हैं यार। उसके बाद प्लांट्स का भी देखेंगे, बट सीरियलाइज करते हैं, ठीक है, पहले हम ह्यूमंस का देखते हैं फिर प्लांट्स का देखेंगे, एंड देन चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद तो भाई साहब मजे मजे। अच्छा सुनो, हार्मोन से मुझे कुछ याद आया, तुमने बड़े बड़े चोरों को देखा होगा लाइक मनी हाइस्ट का प्रोफेसर, बट मैं तुम्हें आज उससे भी बड़े एक चोर से मिलाने वाला हूँ। ये देख रहे हो, ये बंदा है हमारे कॉलेज का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट चोर, मतलब मुझे इसने ना हारमोन ही समझ रखा है। माना कि मेरा इंटरनेट पे काम ज़्यादा होता है, यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ, तो थोड़ा ज़्यादा एमबी चाहिए होता है, तो नेट पैक भी भरा लेता हूँ महंगा वाला, बट इस्तेमाल नहीं कर पाता हूँ मैं। साले ये सब इस्तेमाल करते भाई, इस बार तो मैंने तेरा चेहरा दिखाया है, अगली बार कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम आईडी डाल दूंगा, जल्दी से मेरा रिचार्ज करवा, अच्छी तरीके से बता रहा हूँ। खैर छोड़ो, हम कहाँ थे, हाँ हार्मोन्स के बारे में पढ़ रहे थे। हाँ सो हमारा जो बॉडी है ना, ह्यूमन बॉडी पे टोटल 6 तरीके के हार्मोन्स रिलीज होता है अलग अलग ग्लैंड्स से। अब कौन सा हार्मोन क्या काम करता है, कहाँ रहता है, सब देखते हैं। अब पहला हार्मोन है एड्रिनलिन, ये रिलीज होता है एड्रिनल ग्लैंड से। अब ये कहाँ है, हमारा जो किडनी होता है ना दो, उसके साथ लगा हुआ होता है ये। इस हार्मोन का काम क्या है बोलूँ तो, बॉडी के अंदर में ब्लड प्रेशर लेवल को मेंटेन रखना, हमारा हार्ट बीट को मेंटेन करना, और हम जो कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हैं ना, उसके मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, यानी कि तुम समझ लो डाइजेस्ट करने में कार्बोहाइड्रेट को, ये जो हार्मोन है वो मदद करता है। एंड देन दूसरा हार्मोन थायरोक्सिन, ये पाया जाता है थायरॉइड ग्लैंड्स पे। अब ये कहाँ है एग्जैक्टली, हमारा जो गला है ना, नेक, यहाँ पाया जाता है। अब काम क्या है इसका, बहुत सिंपल है, पेट के अंदर में जो हम कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन कंज्यूम करते हैं ना, डालते हैं ना, उसे पचाने में, यानी कि उसका जो मेटाबॉलिज्म है ना, उसमें मदद करता है ये हार्मोन। देखो जब हमारी दादी होती है, नानी होती है या नाना हो गया, इनके अंदर में ना ये जो हार्मोन है ना, इसका कमी होता है। अब जैसे जैसे हमारा उम्र होता है, तो थायरॉइड ग्लैंड से ये थायरोक्सिन जो होता है, ये हार्मोन रिलीज होना भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पेट पे डाइजेस्टिव इशूज़ होता है, खाना खाया हजम नहीं हुआ या फिर पादने लग गया, भाई साहब अलग अलग प्रॉब्लम रहता है, ठीक है। अब यहाँ एक चीज़ तुम्हें ध्यान देना चाहिए, ये थायरोक्सिन जो हार्मोन है ना, इसको रिलीज़ करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है आयोडीन, ठीक है, जो कि कहाँ से मिलता है तुम्हें, नमक से। सो अगर तुम्हारे नमक पे आयोडीन का कमी होता है, तो भाई साहब तुम्हारे गले पे ऐसा गोटा हो जाएगा जिसे कहते हैं गोइटर। अब देखो हम ना बचपन में इसे कहते थे गले का बवासीर, तो अजीब लगता था, बड़ा सा गोला होके निकलेगा गर्दन से तुम्हारे। तो यार अगर कोई तुम्हें एडवाइस दे डाइटिशियन की नमक कम खाओ, तो बता देना भाई कि मुझे अपने गले में बवासीर नहीं करवाना, नमक एक लिमिट पे पर खाना चाहिए, नमक भी ज़रूरी है, ठीक है। थर्ड है ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, इसको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है क्या करता है, बॉडी में ग्रोथ होता है जो इसी हार्मोन की वजह से होता है। अब ये सवाल उठता है कि ये ग्रोथ हार्मोन कौन रिलीज करता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड करता है। अब इससे होता क्या है, मैंने बताया कि बॉडी का जो हमारा वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो भी होता है, इस हार्मोन की वजह से ही होता है। अगर तुम्हारे बॉडी पे ग्रोथ हार्मोन सही से रिलीज नहीं हुआ ना, तो तुम फिर बोने हो जाओगे भाई, बोना या तुम इंग्लिश में कह लो ड्वार्फिज्म। अब अगला हाइपोथैलेमस, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ ये कोई हार्मोन नहीं है, ये एक ग्लैंड है। कहाँ पाया जाता है, हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, इसके थोड़े ही ऊपर पाया जाता है ये। अब सवाल उठता है इससे क्या होता है, देखो इससे कई सारे हार्मोन रिलीज होते हैं। लाइक एग्जांपल के लिए, अगर मान लो तुम्हारा बॉडी पे ग्रोथ हार्मोन का लेवल जो है वो कम है,
अब क्या करेगा बता, ये हाइपोथैलेमस जो कुछ ऐसा हार्मोन को रिलीज करके देगा जिससे कि तुम्हारे पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर से ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा रिलीज हो, समझ रहे हो ना भाई, स्टिमुलेट करता है तुम्हारे अलग अलग जो हार्मोन है उसे भरने में, रिलीज होने में, ये हाइपोथैलेमस। अभी देखो, अगर तुम एक मिनट के लिए भी ये कन्फ्यूजन में हो कि ये हार्मोन और ये ग्लैंड में क्या डिफरेंसेस है, तुम तब से बता रहे हो कभी एड्रेनल ग्लैंड, कभी पिट्यूटरी ग्लैंड, कभी क्या ग्लैंड, कभी वो ग्लैंड, है क्या ये ग्लैंड। देखो यार, बॉडी का वो पार्ट जो कोई केमिकल रिलीज करता है, लाइक अभी जो हम बात कर रहे हैं हार्मोन रिलीज कर रहा है, उसे कहते हैं ग्लैंड्स। सिंपल है, जो केमिकल रिलीज करता है उसे कहते हैं ग्लैंड्स। सो ग्लैंड्स केमिकल रिलीज करता है और वो केमिकल कुछ और नहीं, हार्मोन्स होता है, ठीक है। जरूरी नहीं हमेशा हार्मोन ही रिलीज करेगा, अलग अलग भी करता है, बट हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे हार्मोन्स के बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं अगला हार्मोन जो कि रिलीज होता है पैनक्रियास से। अब पैनक्रियास काम है स्टोमक के एकदम नीचे। काम क्या है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट, हमारा जो बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन एंड शुगर लेवल को मेंटेन करता है ये इंसुलिन। लाइक देखो, इंडिया में ना सबसे ज़्यादा कोई बीमारी है जो इंसानों को मार रहे ना, इंडियंस को मार रहे ना, तो वो है शुगर। और शुगर क्यों होता है हमारे बॉडी में, जब इंसुलिन का लेवल है ये रिड्यूस हो जाता है तब होता है। तो ये चीज़ अच्छी तरीके से याद रखना, ये डायबिटीज़ शुगर जो भी है, ये बीमारी किस वजह से होता है, ये इंसुलिन हार्मोन जो होता है इसके वजह से होता है, जब इसका कमी होता है तब। अब आखिरी अगला हार्मोन जो कि है कैसे बताओ यार, अब बता दूंगा तो पता चला कि कॉपीराइट लग गया, एज रिस्ट्रिक्टेड हो गया वीडियो। हाँ तो प्यारा हार्मोन, एक नाम हम नाम देते हैं इसे, एक प्यार का हार्मोन, हाँ ठीक है। अब देखो, ये एक लौता हार्मोन है जो मेल एंड फीमेल्स के अंदर में अलग अलग होता है। तो देखो, जो प्यार का ये हार्मोन ना मेल यानी कि हम रिलीज करते हैं ना, उसे कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। अब ये कहाँ से रिलीज होता है, अरे हमारे टट्टो से यार, टेस्टिस। अब इससे होता क्या है, देखो जो प्यूबर्टी चेंजेस आता है ना, लाइक बॉयज के अंदर में दाढ़ी आ जाना, गला भारी हो जाना एंड अलग अलग चीज़ें जो डेवलप होता है एज अ बॉय जब तुम ग्रो होते हो, वो चीज़ें होता है इस हार्मोन की वजह से। अब बात करते हैं दूसरा प्यार का हार्मोन जो लड़कियाँ यानी कि फीमेल रिलीज करते हैं, वो है ईस्ट्रोजन। अब ये कहाँ पाया जाता है, अब ये पाया जाता है ब्लैकबेरी में, आई मीन ओबेरी में, हाँ ओबेरी में पाया जाता है। मैं ना कुछ भी बोल देता हूँ यार, मतलब अभी इसका लोकेशन कहाँ है, लोअर एब्डोमेन यानी कि पेट के नीचे में, ठीक है, नीचे वाला जो हिस्सा होता है वहाँ। अब इसका काम क्या है, वही जो मेल के अंदर में होता है, फीमेल के अंदर में जो अलग अलग चेंजेस होता है, लाइक उनका ब्रेस्ट बड़ा हो जाना, लाइक उनका हिप्स पीछे से बड़ा हो जाता है एंड अलग अलग जो भी चेंजेस है, लाइक बाल बड़ा होना, ये तो हमारे साथ गलत हुआ। लेकिन मैं 2-3 महीने से ट्राई कर रहा हूँ कि मेरा भी लंबा लंबा बाल हो, बट नहीं हो रहा यार, पता नहीं ये लड़कियाँ कैसे कर लेते इतना लंबा बाल, मुझे भी चाहिए यार। काश ये एस्ट्रोजन मेरे अंदर भी होता तो थोड़ा मोड़ा बाल तो मैं भी भरा लेता, बट फिर अलग ही प्रॉब्लम हो जाता मुझे। नहीं 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 ठीक है, नहीं भी है तो मतलब ठीक है, थोड़ा वेट कर लेता हूँ, बाल लंबा आज नहीं तो कल हो ही जाएगा। क्यों हार्मोनल चेंज करना अपने अंदर, हाँ मैं मतलब कुछ भी सोचता हूँ कभी कभी। खैर यही था पूरे ह्यूमन हार्मोन्स के बारे में। अब बात करते हैं प्लांट के बीच क्या क्या हार्मोन्स है नहीं है, हाँ। अब एक मिनट रुको और मेरी बात सुनो, ये क्या है तो मुझे बता सकते हो, बस 29% लोगों ने सब्सक्राइब किया चैनल को, बाकी लोग कर क्या रहे, तुम लोग शादी में आए हो, हाँ मेरे तरफ से मैं इतना एफर्ट डाल रहा हूँ और तुम लोगों की तरफ से तुम एफर्ट ही नहीं डाल रहे हो यार। तुम्हें पता नहीं है कि इस चैनल के बारे में, सिंगल बाबा का श्राप लगा हुआ है इस चैनल में, जो भी आज तक बिना सब्सक्राइब करके गया है ना वो सिंगल ही मरा है, मुझे ही देख लो यार। देखा आपने लापरवाही का नतीजा, मैं मजबूर था बट तुम नहीं हो, तो सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। अभी देखो, हमने पढ़ा था एनिमल्स या ह्यूमंस के अंदर में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने का जो सीन रहता है ना, वो दो तरीके से होता है, एक होता है तुम्हारा नर्वस सिस्टम, एक होता है इंडोक्राइन सिस्टम, यानी कि एक हार्मोनल सिस्टम होता है एक नर्वस सिस्टम होता है। बट प्लांट्स के अंदर में ना सिर्फ और सिर्फ हार्मोनल सिस्टम होता है यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम होता है। अब हार्मोनल सिस्टम के अंदर में कौन कौन सा हार्मोन है वो तो हम अभी देखेंगे, बट उससे पहले एक क्वेश्चन है कि प्लांट्स कैसे मूव करते हैं यार, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का बात चल रहा है ना यहाँ पे, तो मूवमेंट को इंपॉर्टेंस देना है कि नहीं देना है। इंसानों में हमने देखा था कि 3 तरीके का मूवमेंट होता है, वॉलेंट्री एक्शन, इनवॉलेंट्री एक्शन और रिफ्लेक्स एक्शन। बट यहाँ प्लांट्स के साथ थोड़ा अलग सीन रहता है, ये लोग 2 तरीके से मूवमेंट करते हैं,
एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, ठीक है। अभी यहाँ मैं तुम्हारे पास चुईमुई का गच्ची, यानी कि तुम कह लो टच मी नॉट जो प्लांट होता है वो है तुम्हारे पास, और दूसरी तरफ है एक आम सीड, ठीक है, बीज है। अब इन दोनों के अंदर में मूवमेंट कैसे होता है पता है? तुम जब इस टच मी नॉट प्लांट को ना छुओगे तो ये साथ साथ तुमसे छुप जाएगा, ठीक है, इसलिए तो इसका नाम है ना चुईमुई का पत्ता। दूसरी तरफ ये जो सीड है ना, ये कैसे मूवमेंट करता है पता है? जब ये सीड ग्रो होगा तो नीचे तरफ में रूट जाएगा और ऊपर की तरफ में स्टेम्स ग्रो होगा, इस तरीके से ये मूवमेंट देता है। तो इससे एक चीज क्लियर है, ये जो सीड है ना, इसने कैसे मूवमेंट दिया? ग्रोथ के साथ, ग्रो हुआ तभी मूवमेंट होता है। बट इस चुईमुई के पत्ते ने किस तरीके का मूवमेंट दिया? हमने छुआ इसे और ये मूव कर गया। बात तुम समझ रहे हो ना, टेक्निकल टर्म पे बताता हूं मैं तुम्हें। ये जो चुईमुई का पत्ता है, इसने स्टिमुलस को देख के इमीडिएटली एक्शन किया, यानी कि जैसे हमने छुआ उसने एक्शन किया। तो इस तरीके का एक्शन को कहते हैं नेस्टिक मूवमेंट। और दूसरी तरफ ये सीड ने कोई डायरेक्ट मूवमेंट, इमीडिएट मूवमेंट नहीं किया है, ये ग्रो हुआ है उसके बाद जाके इसने मूवमेंट दिखाया अपना। तो इस तरीके के मूवमेंट को कहते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट या ट्रॉपिज्म। अब सीधा बात करते हैं कि नेस्टिक और ट्रॉपिक मूवमेंट में क्या डिफरेंस होता है। देखो, जब बात करता हूँ मैं नेस्टिक मूवमेंट का ना, तो यहाँ कोई ग्रोथ का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ये मूव करता है क्योंकि इसे मूव करना होता है, हम छूते हैं बस मूव कर जाता है, यानी कि ये इंडिपेंडेंट फ्रॉम द ग्रोथ है। और वहीं पे ट्रॉपिक मूवमेंट पे मूवमेंट इसलिए होता है क्योंकि ग्रो करता है, यानी कि ये डिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ है। बात समझ रहे हो? अब दूसरा डिफरेंस ये है कि नेस्टिक मूवमेंट के अंदर में जो मूवमेंट होता है वो क्विकली होता है, इमिडिएटली होता है, तुम छूओगे और वो मूव कर जाएगा। बट ट्रॉपिक मूवमेंट के अंदर में जो मूवमेंट होता है बहुत धीरे धीरे होता है, क्योंकि ग्रो तो धीरे धीरे होता है ना प्लांट्स। ऐसा तो है नहीं कि आज तुमने लगाया और कल भाई साहब आसमान छूने लगेगा वो पौधा, ऐसा नहीं होता। और आखिरी डिफरेंस, नेस्टिक मूवमेंट जो होता है, इधर में ना कोई जो मूवमेंट होता है ना वो कोई डायरेक्शनल नहीं होता कि इस तरफ मुड़ेगा उस तरफ मुड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। जबकि ट्रॉपिक मूवमेंट के अंदर में, आगे तुम्हें बताऊंगा, ट्रॉपिक मूवमेंट के अंदर में जो मूवमेंट होता है वो डायरेक्शनल होता है। थोड़ा और डिटेल में देखते हैं, ये तो मैंने तुम्हें हल्का सा डिफरेंस बताया। नेस्टिक मूवमेंट का बात करते हैं पहले। अब किताब के अंदर में ना नेस्टिक मूवमेंट को इंडिपेंडेंट फ्रॉम द ग्रोथ भी कहा गया है। ऑब्वियस सा बात है, नेस्टिक मूवमेंट में कोई ग्रोथ इन्वॉल्व ही नहीं होता है, तो इंडिपेंडेंट फ्रॉम द ग्रोथ ही हुआ ना। अब देखो, अगर मैं डिफरेंसेस को अलग रखता हूँ और सीधा सीधा तुम्हें नेस्टिक मूवमेंट के अंदर में तीन पॉइंट बता दिया जाए कि क्या क्या है बताओ, तो तुम ऐसा बता सकते हो कि देखो, नेस्टिक मूवमेंट के अंदर में अगर तुम स्टिमुलस लगाते हो, यानी कि तुम हाथ लगाते हो, तुम्हारा हाथ स्टिमुलस की तरह काम करता है उसके लिए, ठीक है, तो तुम अगर टच करते हो उसे तो वो इमिडिएटली रेस्पॉन्स करेगा। दूसरा चीज कि यहाँ में इतना इमिडिएट रेस्पॉन्स होता क्यों है? देखो, बहुत सिंपल है। यहाँ में ना जैसे इंसानों के अंदर में इलेक्ट्रिक इम्पल्सिस बनता था, यहाँ में इलेक्ट्रिक केमिकल बनता है। थोड़ा सिमिलर ही है उस तरीके का ही है, जिसकी वजह से यह रेस्पॉन्स जो है थोड़ा स्पीड रहता है। और नेस्टिक मोमेंट के अंदर में जो सेल्स होता है ना प्लांट का, वो अपना शेप को चेंज करते हैं। कैसे पता है? अपने सेल्स के अंदर में वाटर का रिटेंशन कितना लेगा नहीं लेगा उसको डिसाइड करके। मान लो कोई प्लांट है जिसने अपने अंदर बहुत ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करके रखा हुआ है, तो वो फुला हुआ दिखाई देगा तुम्हें। अब इसी तरह दूसरा एग्जांपल, कोई प्लांट है जिसने अपने अंदर में वाटर का एब्जॉर्प्शन जो है बहुत ही कम रखा हुआ है, तो तुम्हें पतला दिखाई देगा। तो इस तरीके से सेल्स के अंदर में पानी को ज़्यादा या कम करके वो अपना जो है शेप जो है चेंज करते हैं। एग्जाम्पल तो तुम्हें पता ही है कि चुईमुई का जो गच्ची होता है, या फिर तुम कह लो टच मी नॉट प्लांट, यही है। अब दूसरा मूवमेंट जो कहता है ट्रॉपिक मूवमेंट या ट्रॉपिज्म। देखो, जब भी मैं कहता हूँ ना ट्रॉपिज्म या ट्रॉपिक मूवमेंट, दो बात याद रखना। ये मूवमेंट होता है क्योंकि प्लांट्स के अंदर में ग्रोथ होता है, इसके वजह से ये मूवमेंट होता है, यानी कि ये डिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ है। किताब के अंदर में डायरेक्टली मेंशन भी किया गया कि ये डिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ है, कहीं ट्रॉपिक मूवमेंट तुम्हें नहीं दिखेगा। हेडिंग देखो, डिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ है, इसका मतलब ये कि ये ट्रॉपिक मूवमेंट है। और दूसरा चीज़ जो तुम्हें ध्यान रखना है, जब भी ट्रॉपिक मूवमेंट का बात हो रहा होगा, कि ये डायरेक्शनल मूवमेंट है। देखो, मूव तो करेगा ये, बट एक डायरेक्शन पे करेगा। वो डायरेक्शन कैसे होगा नहीं होगा वो डिपेंड करेगा स्टिमुलस के ओर। देखो, सिंपली मैं बता रहा हूँ, स्टिमुलस का मतलब तुम्हें पता है, कोई चीज़ जिसको देख के हम रिएक्ट एंड रेस्पॉन्स करते हैं, राइट। तो यहाँ में मान लो कोई भी एक स्टिमुलस रखा हुआ है मैंने, चाहे तुम सनलाइट को ले लो, ग्रेविटी को ले लो, वाटर को ले लो, कोई केमिकल ले लो, तुम्हें कुछ भी लेना ले लो, बस मान लो कि ये एक स्टिमुलस है। अब इसको देख के प्लांट कैसा रिएक्ट करेगा? अगर प्लांट स्टिमुलस की तरफ जा रहा है तो उसे कहेंगे हम पॉजिटिव मूवमेंट। मतलब देखो, तुम्हें चीज़ कोई पसंद है तुम उसकी तरफ भाग रहे हो, दैट्स कॉल्ड पॉजिटिव मूवमेंट। और एकदम इसका उल्टा, अगर तुम्हें कोई चीज़ पसंद नहीं है तो तुम उसके तरफ नहीं भागोगे, उसके उल्टे तरफ भागोगे ना। तो जो अपोजिट मोमेंट होता है, जहाँ जो स्टिमुलस रखा हुआ है दूसरी तरफ मूव कर जा रहा है प्लांट का कोई भी पार्ट, उसे हम कहते हैं नेगेटिव मोमेंट। भाई मेरे थोड़ा इज्जत का ख्याल कर लो यार, इससे ज़्यादा सिंपली मैं और नहीं बता सकता तुम्हें।
ट्रॉपिक मोमेंट में क्या होता है, दो तरीके का मोमेंट होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव मोमेंट। अगर तुम्हें कोई चीज़ पसंद आ रहा है, तुम उसकी तरफ भाग के जा रहे हो, दैट्स कॉल्ड पॉजिटिव मोमेंट। अब पसंद क्या आ रहा है तुम्हें, स्टिमुलस, ठीक है। मान लो तुम्हें स्टिमुलस पसंद आ रहा है, तुम उसकी तरफ भाग रहे हो, दैट्स कॉल्ड पॉजिटिव मोमेंट। और अगर तुम्हें स्टिमुलस पसंद नहीं है, तुम अपोजिट तरफ में भाग रहे हो, उसे कहोगे तुम नेगेटिव मोमेंट। अब तुम देखोगे आगे, प्लांट्स का अलग अलग पार्ट लोग, किसी को स्टिमुलस पसंद होता है, किसी को स्टिमुलस पसंद नहीं होता है। जिसे पसंद नहीं होता है वो अपोजिट तरफ जाता है, और जिसे पसंद होता है वो उसकी तरफ भागता है। अब जैसे मुझे ले लो ना, मैं क्या करता हूँ, अपने क्रश की तरफ भागना पसंद नहीं करता, घबरा जाता हूँ तो उससे दूर भागता हूँ, तो मेरे लिए वो नेगेटिव मोमेंट की तरह काम करता है। अब दूसरी तरफ मैं चाहता तो नहीं हूँ कि अपने दोस्तों के साथ ही घूमूं, भाई किसको सिंगल रहना पसंद है, बट उसकी तरफ मेरा एक पॉजिटिव मोमेंट रहता है, जहाँ वो जाते हैं मैं भी उनके साथ कुत्तों की तरह चला जाता हूँ। खैर तुम समझ गए कि नेगेटिव मोमेंट कब होता है, पॉजिटिव मोमेंट कब होता है। अब देखते हैं टाइप ऑफ ट्रॉपिज्म या ट्रॉपिक मोमेंट्स। टोटल 5 टाइप ऑफ ट्रॉपिज्म होता है। पहला है फोटोट्रॉपिज्म। देखो फोटो यानी कि सनलाइट से रिलेटेड होगा। तो देखो अब देखना है कि सनलाइट को हम स्टिमुलस मान के चल रहे हैं, और देखना है कि प्लांट का कौन सा पार्ट सनलाइट को पसंद करता है और कौन सा पार्ट सनलाइट को पसंद नहीं करता है। तो बहुत सिंपल है, देखो प्लांट का जो ऊपर का हिस्सा होता है ना, वो सनलाइट को पसंद करता है तो वो उसके तरफ मूव करता है, यानी कि इधर जो स्टेम लोग होता है ना, वो लोग पॉजिटिव मूवमेंट दिखाते हैं स्टिमुलस की तरफ, जबकि जो रूट्स होता है ना प्लांट का, वो स्टिमुलस को पसंद नहीं करता तो वो अपोजिट तरफ में जाता है। तो तुम कह सकते हो कि रूट्स जो है वो नेगेटिव मूवमेंट दिखाते हैं स्टिमुलस की ओर। फिर जियोट्रॉपिज्म, यहाँ क्या होता है, स्टिमुलस ग्रेविटी होगा और देखना है कि प्लांट का कौन सा पार्ट ग्रेविटी को पसंद करता है और कौन सा पार्ट ग्रेविटी को पसंद नहीं करता है। तो इसके लिए देखो ये प्लांट है तुम्हारे सामने जो उल्टा रखा हुआ है, ठीक है। अब ग्रेविटी किधर होता है, नीचे तरफ होता है, तो यहाँ पे रूट को ग्रेविटी पसंद है तो वो नीचे जाना चाहता है, बट इसी प्लांट का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना स्टेम, वो सब उसे ग्रेविटी पसंद नहीं है तो वो नेगेटिव मोमेंट दिखाता है यहाँ पे, ठीक है, यानी कि वो दूर भागता है ग्रेविटी से। अब देखो तीसरा है केमोट्रोपिज्म। यहाँ में देखो क्या है, कोई एक केमिकल ना स्टिमुलस की तरह काम करना है, हमें बस ये देखना है कि प्लांट का कौन सा पार्ट उस केमिकल की तरफ अट्रैक्टेड है। जो पार्ट उस केमिकल की ओर अट्रैक्टेड होगा ना, वो होगा पॉजिटिव मोमेंट, और जो अट्रैक्टेड नहीं होगा वो होगा नेगेटिव मोमेंट। अब हमने रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा था ना कि प्लांट्स के अंदर में होता है ओव्यूल, और यही होता है पूरा रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो जो मेल पार्ट होता है ना, जिसे हम कहते हैं पॉलन ग्रेन, वो खींचा चला आता है इस ओव्यूल में, क्योंकि यह हमें खास तरीके का केमिकल होता है। तो यह भी तुम एक तरीके से देख सकते हो कि ये पॉजिटिव मोमेंट दिखा रहा है, क्योंकि केमिकल की ओर खींचा चला आ रहा है। अगर केमिकल की ओर खींचा चला नहीं आता तो ये नेगेटिव मोमेंट दिखाता। अब फोर्थ है हाइपोट्रोपिज्म, जहाँ में वाटर जो एक स्टिमुलस की तरह काम करेगा, और हमें अब ये पता करना है कि प्लांट का कौन सा पार्ट को वाटर पसंद है और कौन सा पार्ट को वाटर पसंद नहीं है। जिसे पसंद होगा वो पॉजिटिव, जिसे पसंद नहीं वो नेगेटिव। देखो रूट को हमेशा ही वाटर पसंद होता है। जो प्लांट का रूट होता है ना नीचे वाला पार्ट, उसे वाटर पसंद होता है हमेशा से ही, तो उसकी तरफ खींचा चला जाएगा, यानी कि ये दिखाएगा एक पॉजिटिव मोमेंट। जबकि जो स्टीम और ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, ये कभी भी पानी की तरफ नहीं जा रहा होता, ये ऊपर की तरफ ही जा रहा होता है, यानी कि ये ऑपोजिटली जा रहा है, तो ये एक नेगेटिव मोमेंट दिखा रहा है, ठीक है। एंड देन आखिरी है थिग्मोट्रोपिज्म। यहाँ में क्या है, देखो टच एक तरीके से स्टिमुलस की तरह काम करेगा। कोई भी प्लांट का पार्ट है तो उसे बस छू दो, वो वहीं से ग्रो करना शुरू करेगा। मतलब गलत में मत लेना, बस मैं प्लांट का ही बात कर रहा हूँ। तुम प्लांट का जिस पार्ट को छूओगे, जहाँ टच करोगे, वहाँ से वो और स्पीडली ग्रो करेगा, क्योंकि वहाँ उसे स्टिमुलस मिला है। छू दिया तुमने तो उसे मजा लग गया और अब वो ग्रो करेगा। अब लाइक एग्जांपल के लिए तुम्हारे सामने यहाँ में एक मटर का गच्छी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो मैं एक डंडा रख देता हूँ, अभी डंडे को जैसे ही छुएगा ना तो इसी डायरेक्शन पे वो ग्रो करेगा और धमाधम ग्रो करेगा, क्योंकि अब इस डंडे ने उसके लिए एक टच का काम किया है, यानी कि एक स्टिमुलस का काम किया है, और स्टिमुलस जैसे ही मिलता है इसे, ये यार ग्रो करना शुरू कर देता है। देखो यार अभी हमने ना जितना भी प्लांट्स के अंदर में मूवमेंट होता है उन सबको देख लिया है। अब आखिरी एक चीज़, इसका चैप्टर खत्म हो जाएगा, प्लांट्स के अंदर में कौन कौन सा हार्मोन्स होता है। बहुत सिंपल है, देखो अभी मैं तुम याद करा दूंगा, तुम भूलोगे नहीं कभी। टोटल 4 हार्मोन्स है, 3 ग्रोथ का है और 1 ग्रोथ को रोकता है। तीनों अलग अलग पार्ट्स पे पाया जाता है प्लांट्स का। देखो प्लांट के अंदर में सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, यहाँ पे होता है एक हार्मोन जिसे कहते हैं ऑक्सिन, और ये ही डिसाइड करता है कि एक प्लांट कितना लंबा होगा, कितना ग्रो करेगा। लाइक देखो हमारे अंदर में ग्रोथ हार्मोन था, तो समझ लो तुम यहाँ पे है ऑक्सिन, ये डिसाइड करेगा कि प्लांट कितना लंबा होगा, कितना ग्रो करेगा नहीं करेगा, ठीक है, एकदम ऊपर में होता है। एंड देन आ जाते प्लांट के थोड़ा नीचे स्टेम पे, यहाँ पे एक हार्मोन होता है जिसका नाम है जिब्रेलिन।
ये जो होता है प्लांट का जो स्टेम होता है उसे ग्रो करने में मदद करता है। अब तीसरा हार्मोन पाया जाता है जो प्लांट का फ्रूट्स होता है या फिर कोई सीड्स हो गया उसके अंदर में, नाम है साइटोकिनिन। काम क्या है, प्रोमोट करना सेल डिवीजन को। ये जो फ्रूट्स या प्लांट होता है ना, यहाँ सेल डिवीजन का बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि सेल डिवाइड होकर फिर ये गच्छी बनता है और अलग अलग फल देता है गच्छी लोग, तो यहाँ सेल डिवीजन का जरूरत होता है। और वो हार्मोन कौन है जो सेल डिवीजन को प्रोमोट करता है, साइटोकिनिन। अब बात करते हैं आखिरी हार्मोन जो कि बहुत ही अलग तरीके से काम करता है। इन तीनों हार्मोन का काम है ग्रोथ देना, जबकि एब्सेसिक एसिड जो होता है ना, ये एक ऐसा हार्मोन है जिसका काम है प्लांट का ग्रोथ को रोकना। लाइक लिटरली ये जो तीनों हार्मोन्स है इसका काम था ग्रोथ करना, और इन तीनों का इफेक्ट को रोकता है ये एब्सेसिक एसिड, और इसीलिए इसे कहते हैं स्ट्रेस हार्मोन। ठीक है, नाम से समझ आ रहा है स्ट्रेस हार्मोन है भाई साहब, टेंशन दिला देता है और जिसकी वजह से प्लांट का जो ग्रोथ है वो रुक जाता है और एक समय आने के बाद प्लांट्स मरने लगते हैं। हाँ यार, हो गया खत्म अभी चैप्टर। आखिरी टॉपिक था वो भी हमने निपटा दिया है। आई होप कि तुम समझे कुछ। अगर समझ में आया ना भाई साहब तो, अब देखो यार इतना मेहनत से बताया, इतना एनिमेशन करके दिखाया, समझ में आया ना तो यार सब्सक्राइब करे बिना जाना मत, और देखो यार शेयर करो वीडियो को जितना हो सके, थोड़ा शेयर कर दो यार, लोगों तक पहुँचना तो चाहिए ना इतना अच्छा कंटेंट, नहीं तो मैं मोटिवेट कैसे होऊंगा बनाने के लिए ऐसे कंटेंट। हाँ बस मैं देखता हूँ कि आजकल यूट्यूब में कोई भी मोटिवेशन देता है ओंगा पोंगा और फिर लाखों सब्सक्राइबर गेन कर लेता है। भाई साहब यहाँ हम अपना अब पूरा छिलवा लेते हैं फिर भी भाई साहब व्यूज़ ही नहीं आते, करो यार कुछ। खैर डिस्क्रिप्शन में तुम्हारे लिए पीडीएफ का लिंक है, डाउनलोड कर लेना, और अगर ये लिंक काम ना करे तो टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, तुम्हें वहाँ मिल जाएगा ये नोट, तो वहाँ से भी तुम ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा बस तुम लोगों से मुझे इतना ही कहना है, बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे बच्चों को गाली सिखानी है। बाय।